जनता ने ढोल दमाओं से प्रीतम सिंह का किया स्वागत। विधानसभा क्षेत्र चकराता में जनसंपर्क किया प्रीतम सिंह ने और जनता से की कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील। चकराता विधानसभा सीट से प्रीतम सिंह है कांग्रेस के प्रत्याशी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रीतम सिंह के जनसंपर्क अभियान की। लगातार राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं और इस बार प्रचार का तरीका बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार पूरा भरोसा डोर टू डोर कैंपेन पर ही है क्योंकि बड़ी रैली बड़ी जनसभाओं की इजाजत चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते नहीं दी। और मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए मेरे साथ। रोहित, चकराता की सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अगर जौनसार बावर के इलाके की बात करें। प्रीतम सिंह वहां के बड़े नेता हैं, बड़ा चेहरा हैं, इस बार टक्कर उन्हें जुबिन नौटियाल के पिता दे रहे हैं। कितना मजबूत और रोचक है मुकाबला इस बार चकराता का? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए रमन, जो चकराता विधानसभा सीट है वो प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष जो है उनकी परंपरागत सीट है। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब सिंह के बेटे हैं और 2017 के बाद उन्हें कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ऐसे समय पर दी जब कांग्रेस में मात्र 17 विधायक थे। ऐसे समय में कांग्रेस की तरफ से प्रीतम सिंह ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को मजबूत करने का काम किया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को बनाया गया। इस चुनावी वर्ष में अगर हम फ्लैशबैक में जाएँ तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष और बतौर चकराता के विधायक के तौर पर प्रीतम सिंह लगातार जो है अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। लगातार डोर टू डोर कैंपेन या फिर जनसंवाद रैली, कोविड काल जैसे ही शांत हुआ उसके बाद लगातार उन्होंने जनता से संपर्क किया। लोकप्रिय नेता हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं अपने क्षेत्र में और ऐसे समय में जो जुबिन नौटियाल जो कि बॉलीवुड के बड़े सिंगर हैं उनके जो पिता हैं रामचरण नौटियाल उनके साथ उनकी टक्कर है। लेकिन प्रीतम सिंह कहीं ना कहीं आश्वस्त रखते हैं क्योंकि बतौर नेता प्रतिपक्ष और बतौर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनसे क्षेत्र के विकास के लिए मिलते जुलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलकर अपने क्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत वो करते रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी कुछ किया है। अभी दो दिन पहले उन्होंने अपना नॉमिनेशन चकराता से कर दिया है, उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। कल शाम वो दोबारा चकराता पहुंचे और डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग की। जनता ने उनका स्वागत ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों से किया, फूल माला पहना कर किया क्योंकि बहुत लोकप्रिय नेता हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। तो एक बार प्रीतम सिंह को पुनः लग रहा है कि जनता उन पर आशीर्वाद जताएगी और चकराता की विधानसभा सीट से उनको 2022 के चुनाव में जिताकर एक बार फिर से विधानसभा भेजेगी। बिल्कुल रोहित, जुड़े रहिए, आप वापस लौटेंगे आपके पास तमाम जानकारी।